मैं सर को एज एन उनका जो नेचर है ना उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ जो जो चीज़ें मुझे पसंद आ रही है ना मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं रखा है कि मुझे ये करना है वो करना है। फिर तुमको भगवान ने जिसके लिए बनाया है, जो अच्छे टैलेंट के लिए बनाया, वो टैलेंट तो एक्चुअली सबका गायब भी है। वो चीज़ कोई कर ही नहीं रहा है आज, कोई कीचड़ में गिर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई ऐसा मुंह बना, कुछ भी कर रहा है। फोकस रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा ना, तो फिर चार चीज़ें भी एक साथ में कर, लेकिन वो चार चीज़ों में ना आपका पागलपन होना चाहिए यार, मज़ा आ रहा है रह के वो डायलॉग बोलना और उनको बोलना ये लंबू देखना, मतलब उनको काउंट ही नहीं करना तू कौन है, चल निकल। हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट अरुणा पूर्वे एंड यू वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। सो जैसे कि डांस का जब बात आ जाता है मुंह पे, तो ऑब्वियसली एक इंसान हमेशा से दिमाग में आता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ धर्मेश की। सो इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट है उनका नाम है धर्मेश। धर्मेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड सोसाइटी पर। थैंक यू सो मच धर्मेश। उफ डी सर। सो धर्मेश क्या कहना चाहेंगे, हाउ हैव यू बीन, क्या चल रहा है फिलहाल धर्मेश की लाइफ में? अभी मैं थोड़ा शांत हूँ, बट हाँ मैं कुछ प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा टीवी और ये सब में थोड़ा सा मैं भी गैप है, बट हाँ ऑफकोर्स कुछ बड़ी चीज अचीव करनी हो तो उसके लिए बहुत एक ना एक फोकस चाहिए, एक ब्रेक भी चाहिए, ब्रेक चाहिए, फोकस चाहिए, और कुछ मतलब डांस से हटके कोई दूसरी चीज कर रहे तो ऑफकोर्स वो चीज चाहिए। अगर डांस वाला होता तो मैं ऑफकोर्स कोई ना कोई शो में कुछ उसमें मैं दिखता आपको, बट मैं ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट के पीछे हूँ कि मुझे उसमें ब्रेक चाहिए। सो मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। एक क्वेश्चन है फैंस का, एबीसीडी 4 कब आ रहा है? देखो अभी ये तो रेमो सर ही बता पाएंगे, बट हाँ ये जो सीजन है, ये जो इवेंट्स है, ये हर बार हर साल बोले हमको ना वो उसका रहता है वेट के यार ये कब बनेगी, Correct. हम लोग कब करेंगे, बिकॉज वो मूवी तो है ही, बट वो ना हमारे सभी लोगों का एक गेट टुगेदर बोल दो या कैसे बोल दो, सब अपने अपने काम में ना अलग अलग है, फिर वही एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सब मिलके एक साथ में आते हैं, रियूनियन हो जाता होगा, बेस्ट टाइम है वो हमारे लिए, अच्छा मेरे लिए तो, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, तो अभी वो कब आएगी अभी वो सर ही पता पाएंगे, लेकिन हाँ सर उस पे काम कर रहे हैं और ये हो रहा जल्द, बहुत जल्दी आएगी। ओके, जैसे कि अभी आपने बोला कि हर प्रोजेक्ट के बाद एक ब्रेक होना चाहिए, जस्ट वो कम बैक एकदम ऐसा होना चाहिए, इसलिए तो रिसेंटली आप ट्रैक पे भी गए थे, आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो हाउ वाज योर जर्नी एंड ऑफकोर्स ट्रिप कैसा रहा? जैसे अभी आपने बोला कि उसका ब्रेक चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्रेक चाहिए, बट मेरा ऐसा सोचना कि मैं थोड़ा सा उस पर फोकस करके ब्रेक लेके काम करूँ, और अभी ये जो इसलिए मैं थोड़ा ट्रैकिंग वैकिंग ये सब चीज़ें, बिकॉज उसके अंदर सब नए नए कैरेक्टर मिलते हैं, नए नए लोगों से मिलना मिलता है, तो आपको कहीं ना कहीं वो स्टोरी वोरी कुछ ना कुछ मिलती है, बट हाँ प्रोजेक्ट की बात मैं क्लियर ही बोल दूँ कि हाँ मैं ऐसी कुछ चीज़ें रेमो सर जैसे राइटिंग करते हैं या फिर वो डायरेक्ट करते हैं, तो शायद तक मैं उसी मोड पे जाना चाहता हूँ, तो उसी मोड पे मेरी कोशिश चालू, इसलिए थोड़ा ब्रेक वेक है थोड़ा, और इसलिए मैं ट्रैकिंग और ये सब ज्यादा करता हूँ, मजा आता है। तो कैसा था पूरा आपका ट्रैकिंग वाला? बहुत अमेजिंग था, हम लोग 18,000 फीट पे थे, ऑक्सीजन भी बहुत कम था, बट हाँ एक सबमिट करना था, 7 दिन का ट्रैक है और आपको 12 घंटे रोज चलना है, चढ़ना है, चलना नहीं है, चढ़ना है, ऐसे सीधी चढ़ाई है, बट कमाल का रहा, बिकॉज मैंने कभी लाइफ में ना काम काम के चक्कर में ये सब चीजें नहीं की, पर्सनल टाइम नहीं मिला था, तो वही है अभी मैं गोवा भी रहता हूँ तो वो सब एक्टिविटीज भी करता हूँ, और दूसरा अभी आगे मुझे ये एज में अभी मुझे क्या करना है और मुझे क्या पसंद है मैं वो फोकस करूंगा। एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि जब भी धर्मेश का नाम आ जाता है लोगों के दिमाग में डांस ही याद आता है, तो अपार्ट फ्रॉम डांसिंग धर्मेश के पास और क्या क्या क्वालिटीज है जो फैंस देखेंगे? ऐसा कोई क्वालिटी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ यार धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, तो आप जैसे दिखते हो और आपको शौक लगता है ना, शौक लगता है क्या बोलते हैं उसको, कैसे बोले, इंटरेस्ट आता है ना कोई भी नई चीजों में। Exactly. आपने ये सोचा था कि आप अभी ये पॉडकास्ट है या इंटरव्यू आप करोगे? नहीं, ये कहीं का आपको देखा होगा, कहीं आप उसमें मजा आया होगा कि यार ये चीज बहुत कमाल की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ जो जो चीजें मुझे पसंद आ रही है ना मैं वो चीज करना चाहता हूँ, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं रखा है कि मुझे ये करना है या वो करना है, बट हाँ जैसे जैसे मुझे पसंद आ रहा है कोई भी चीज़ तो मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, ट्रैकिंग पसंद आ रहा है ट्रैकिंग, सर्फिंग तो सर्फिंग कर रहा हूँ, अभी पैराग्लाइडिंग भी सीखूंगा मैं, तो अभी यही सब चीज़ें हैं। वेरिएशंस ऑफ धर्मेश आएगा अभी धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। ओके, बट अगर आपकी करियर की बात किया जाए तो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि कैसा शुरुआत हुआ है, तो
रेमो सर के बारे में जानना चाहेंगे, उनके साथ इक्वेशन कैसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि वो एज अ सपोर्ट सिस्टम शुरुआत से लेके अब तक आपके साथ है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके और आपके इक्वेशन के बारे में? एक्चुअली सर के लिए भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो एवरी डे में मे बी 100 डांसर्स या 100 परफॉर्मर्स या एक्टर्स से मिलते होंगे, और उनको जहन में रखना, दिमाग में रखना, और उन एक्टर को रेमो सर आपका नाम लेके बोले वो चीज़ें ना, या जो डांसर है अभी अभी के जो नए डांसर है जो सर के साथ काम करना चाहते हैं, वो ऑलवेज ये चाहेंगे कि रेमो सर मुझे नाम से बुलाए, मुझे पहचान है। ये मेरा ही फील था जब बड़ोड़ा आए थे, तब सब लोग जा रहे हैं, मुझे सर को ऐसी इस तरह से मिलना है कि सर मेरा नाम वो करके बुलाए, लेकिन जर्नी देखो कैसे ऊपर वाले हो आप सभी लोगों का साथ है, तो सर आज एक फैमिली मेंबर मुझे मानते हैं, तो घर में गणपति हो या कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, इवेंट्स हो, तो ऑफकोर्स मुझे पहले याद करते हैं कि हाँ धर्मेश तेरे को आना है, एंड ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये तो हो गया एक रिलेशन का, लेकिन मैं सर को एज एन उनका जो नेचर है ना उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मैं फॉलो करता हूँ कि इस तरह से डाउन टू अर्थ रहना है, इस तरह से तो ये चीज़ें सर को कहीं ना कहीं मुझ में अच्छी लगती है, और मुझे तो सर की हर एक चीज़ लाइक सर डांस करते हैं, एक्टिंग भी सर करते हैं, इवन डायरेक्शन भी करते हैं, मुझे हर एक चीज़ जब वो बात करते हैं ना तो वो पता नहीं मुझे अच्छे लगते हैं, बस मेरा वैसा है। बट वही है कि ये जो कनेक्शन है ना कभी भी ना टूटे, भगवान करे कभी भी ना टूटे। पर अगर वर्सेटिलिटी की बात किया जाए तो हमने आपको देखा है डांस इंडिया डांस एज अ कंटेस्टेंट से लेके फिर डांस रियलिटी शो जज करना एंड फिल्म्स में एक्टिंग करना, काफ़ी यूनिक रहा है आपका जर्नी, तो ये किस तरह से पूरा बैलेंस करते हो? पहले जैसे डांसिंग का था, फिर उसके बाद आप मेंटर बने, फिर उसके बाद आप जज बने, फिर आप मूवी मिली आपने मूवी की, देखो हैंडल करना ऐसा नहीं कि ईजी है कि आप हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हाँ वही चीज़ है कि फोकस रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा ना, तो फिर चार चीज़ें भी एक साथ में कर, लेकिन वो चार चीज़ों में ना आपका पागलपन होना चाहिए कि यार मज़ा आ रहा है, तो आप वहाँ खाना खाने का भी आपका लंच वो भी भूल जाते हो, एक्चुअली खाना चाहिए टाइम पे, बट ऐसा होता है कि हम दोस्त ये बाहर के सब जो डिस्ट्रैक्शन है वो सब भूल जाते हैं हम लोग। तो मेरे हिसाब से एक साथ में इतनी सारी चीज़ें करना, वही इसका रीज़न वही है कि मुझे पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए शायद तक हो रहा है, एंड आगे भी मैं शायद तक ऐसे करूँगा कि मेरे माइंड को ना मैं इस तरह से ही बिजी रखूँ मेरे ऐसी सब चीज़ों में, कि एक साथ में कभी चार काम भी करने आएगा ना, बिकॉज हम शुरू करते तो एक ही काम से, मैंने शुरू किया था डांस के काम से, आज चार चीज़ें एक साथ में होती है ना, करेक्ट, लेकिन उतना रेमो सर, गीता मैम, टेरेंस सर, इन सभी लोग ने, जितने भी गुरु हैं उन सभी लोग ने सिखाया कि चार चीज़ें आएगी या साथ में आपको काम करना ही पड़ेगा, हैंडल हो जाती है, इतनी कुछ बड़ी बात नहीं। तो मतलब आप भी ऐसे रेमो सर की तरह थोड़ा डायरेक्शन भी सीख रहे होंगे? यस, ऑफकोर्स। मजा आता, पता नहीं मैं पहले इतना ध्यान से मूवी नहीं देखता था, बट अभी मैं बहुत ध्यान से मूवी देखता हूँ, और हर एक एक कैमरा मैन से लेके एक लाइट मैन से लेके और एक असिस्टेंट डायरेक्टर से, उन सबका वर्क एक शॉट में समझ में आता है कि इन सभी लोग ने इस शॉट बनाने के लिए कितनी मेहनत की है, तो मजा आता, इंटरेस्ट आ गया एकदम से, तो मुझे लगता है चलो मुझे करना चाहिए। तो क्या कुछ चीजें आप हमेशा नोटिस करते हो डायरेक्शन की अगर बात किया जाए तो? यार मेरा जोन कैसा है, मेरा जोन थोड़ा सा थ्रिलर है, ये सब चीजें, मैं ये जोन में ज्यादा हूँ, मुझे पसंद है ये सब चीजें, तो यही जोन में रहता हूँ, एंड जब भी मूवीज होती है तो मैं हर एक, मुझे लगता है कि कोई भी अगर आप मूवी मेकिंग सीख रहे हो या कोई, तो आपको एक कोई भी चलने का भी एक शूज का भी शॉट होना, तो कभी भी उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ ये ओके नहीं, वो उस चीज़ को कैसे दिखाना है, उसके आजू बाजू में क्या पैर रखेगा, धूल उड़ेगी, उसका लाइटिंग कैसे करना है, हर एक चीज़, अब मैं बोलूँ जैसे मूवी शुरू होती है और ख़त्म होती है, उसके लिए मुझे हर एक चीज़ बहुत बारीकी से देखना पसंद है। मैं कितनी बार ज़्यादातर के एक सीरीज या एक मूवी में अगर ख़त्म करता हूँ तो उसके अंदर मैं 7 से 8 बार तो मैंने रिपीट करके देखा होगा कि ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, तो ये सब चीज़ें मज़ा आती है देखने। बट अगर आपको कोई एक चूज करना बोले, मतलब करने बोले, डांसिंग या फिर एक्टिंग, हाँ क्या चूज करोगे? अभी चूज करे देखो, अभी तो मैं डांस बहुत कम करता हूँ बट ऐसा नहीं है, खून में तो है, ऐसा मुझे नहीं लगता आगे जाके कोई ऐसी नौबत आएगी, बट हाँ मैं दोनों को साथ में लेके जाऊँ, और डांसिंग एंड एक्टिंग क्यों, बहुत सारी चीज़ें मेरे हिसाब से ना इंसान के बॉडी में है, वो कर सकता है तो करना चाहिए। बट
शेयर योर फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हाइल फेसिंग द कैमरा, जब आपने फर्स्ट एज अ एक्टर फेस किया था कैमरा। बाप रे बाप, 17 टेक। और मैं मुझे पता है कि मेरा पहला ही डायलॉग मुझे प्रभु सर को बोलना था कि ये लंबू देखना मामू गलती खाएगा। मुझे पहली बात तो प्रभु सर के सामने रह के वो डायलॉग बोलना और उनको बोलना ये लंबू देखना, मतलब उनको काउंट ही नहीं करना, तू कौन है बे, चल निकल। हाँ। ये नहीं होगा। सर ने हमको ट्रेनिंग भी दी थी लेकिन ना ये एक्टिंग बहुत मुश्किल नहीं बोल सकते, बस वही है कि आपको ना उससे प्यार होना चाहिए। मैं इतना एक्टिंग के बारे में जानता हूँ जितना छोटा मोटा पता है, बस वही है कि आपका इंटरेस्ट और आपका प्यार इतना होना चाहिए ना कि, तो मेरे हिसाब से मुश्किल है। बट हाँ, मैं भी अभी सिर्फ 5% ही सीखा, तो बहुत सारा बाकी है, अभी तो और फिल्में आने वाले हैं और सीखना बाकी है। एक्टिंग? यस। कम ऑन, आप ऑलरेडी ग्रेट एक्टर हो, हमने देखा है इतने सारे फिल्म्स आपके। नहीं, मैं जिस तरह से मूवीज देखता हूँ, जिस तरह से लोगों को देखता हूँ, जिस तरह से अभी नए नए लोग आ रहे हैं काम कर रहे हैं ना, आप सोच नहीं पाओगे। इन लोग ऐसे ही चेक करना पड़ता है विकिपीडिया में, थिएटर किया हुआ है इसने, प्लेस किए हुए हैं इसने, क्या क्या चीजें की हुई ये, और नहीं इसका पहला ही प्रोजेक्ट है। और पहले प्रोजेक्ट में कुछ लोग ऐसा काम कर जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार हमको तो एक्चुअली बहुत सीखना है, मैं तो बहुत पीछे हूँ, सीखना बहुत है मेरे को। अभी एक्टिंग में आपको कौन सा जॉनर वाला फिल्म करना है? डांसिंग जॉनर तो ऑब्वियसली हमने देख ही लिया है, पर आप क्या चीज चाहते हो कि अभी कौन सा नेक्स्ट करना है? मुझे ना ऐसा थोड़ा सीरियस थ्रिलर हो, साइको हो, या फिर ऐसी कोई कॉन्सेप्ट में ऐसे सब कैरेक्टर करने में बहुत मजा आता है मेरे। Wow. वैसा है। तो अभी एक मूवी मैंने की है, उस पर काम चल रहा है, संदूक करके, तो उसमें मैं एलियन का कैरेक्टर हूँ। एलियन ऐसा एलियन है जो वो लैंग्वेज में बोलता है, ऐसा नहीं रोबोट की तरह बोलता है, लेकिन उसका टोन अलग है, उसका बात करने का स्टाइल ऐसा है कि वो कभी भी आपको सीधा आदमी नहीं लगेगा, सिंपल ह्यूमन नहीं लगेगा। अब ऐसा कैरेक्टर बॉडी में लाना है, आप बात भी करो तो ऐसा बात करना कि आप सच में एलियन हैं। तो ऐसे सब जो चैलेंजिंग मिलते हैं ना, उसमें बहुत मजा आता है। फिर मैंने एक गुजराती मूवी की थी सफलता, 0 किलोमीटर, उसके अंदर मुझे 3 कैरेक्टर करने थे। मुझे पता है कि मैंने अच्छा नहीं किया, इतना अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैं मेरे काम को तो मैं कभी भी 100% मार्क नहीं देता, मैं ऑलवेज 10 के नीचे ही देता हूँ। कुछ भी अच्छा किया हो, मेरा पहला डांस हो या कोई भी हो, मैं ना बहुत कम ही देता हूँ अपने आप को, तो पता चलता है कि हमको अभी 90% और करना है। तो मेरा जॉनरा जो है, मुझे ऐसे सब कैरेक्टर करने में बहुत मजा आता है। तो ऐसे कोई आप लाइन बोल सकते हो एलियन स्टाइल में जो आपने फिल्म अभी शूट करके आए हो, तो कुछ के अभी उसके अंदर हम लोग बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि एलियन कैसा रहेगा, एलियन का बोलना कैसा है, पीके में सर ने कैसा बोला है, आमिर सर ने, बाकी बहुत सारे ऐसे एलियन वाली मूवी हुई है, वैसा भी ना लगना चाहिए। तो बस वही है कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जहाँ से आ रहे हैं मतलब ये एक डायरेक्टर का ऐसा है कि आपको वो बहुत ज्यादा वैसा, आप बहुत शांत हो, आप फिर कुछ रो के बोल रहे हो, थोड़ा सा ऐसे सब लेयर्स पे काम करना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि बहुत काम करना है। एक्टिंग आपको लगता है आप सीधा देखते हो और बोलते हो अच्छा मूवी है, खराब मूवी आप बोलते हो, लेकिन आप अगर उन सबके पीछे मेहनत देखोगे तो बहुत ज्यादा तो है थोड़ा मुश्किल। बट अगर फिटनेस की बात किया जाए तो बीन एन एक्टर डांसर, किस तरह से आप अपना फिटनेस का ध्यान रखते हो? फिटनेस का तो अभी तो मैं थोड़ा कम, बट हाँ वीक में 3-4 बार तो मुझे कभी ऐसा हो जाता है कि डांस तो अभी बहुत कम हो रहा है, प्रैक्टिस अभी जितनी ज़्यादा हो नहीं रही है, तो फिटनेस के बारे में कुछ सोचना चाहिए, तो मैं करते रहता हूँ, डांस करते रहता हूँ, या तो फिर मैं जिम विम, या तो फिर ये ट्रैकिंग में और सर्फिंग में, ये सब में मेरा, गोवा में ये सब में मेरा हो जाता है मेरा। पर खाने पीने का किस तरह से ध्यान रखते हो? आपका फेवरेट फूड क्या है? स्ट्रीट फूड, मुझे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, बट हाँ अभी अभी थोड़ा उसमें भी ध्यान रखना चाहिए, आपको स्ट्रीट फूड भी खाना चाहिए, थोड़ा हेल्थ के लिए भी खाना चाहिए। अब मुझे वो समझ में आया, तो पहले मैं पूरा स्ट्रीट फूड ही खाता था, मुझे मिसल पाव, वड़ा पाव, ये सब बहुत पसंद है, और घर का खाना जैसे मसाला खिचड़ी या दाल राइस, मम्मी का। और अगर चीट डे की बात किया जाए तो जब डाइट फॉलो करते थे वो टाइम पे, तो किस तरह से चीट डे होता था, और एट द सेम पॉइंट डाइट वाला खाना भी क्या होता था? अरे किसको बोलता नहीं था, मैं खा लेता था, वो ट्रेनर वेनर को बोलता नहीं था, बिकॉज ABCD के टाइम पे फिनाले में ऐसा था कि सबको एक एप्स तो नहीं लाने लेकिन एक बॉडी का एक स्ट्रक्चर मतलब अच्छा दिखना चाहिए, बिकॉज ओपन बॉडी है सब डांसर, और लास्ट का सीन ऐसा है, तो आपको सब, तो उसके लिए हम लोग ने मेहनत की थी,
बट मैंने तो बहुत कम मेहनत की थी, मैंने बहुत वीक में 4 बार तो 3 बार तो खा लेता था मैं कुछ, पर बताते भी नहीं थे, तो बताता नहीं था पर हाँ मेरा ना वो बॉडी पहले से ऐसा ना वो मोटा वोटा वाला बहुत ज्यादा होता नहीं है, कितना भी खाऊं क्योंकि आप डांसर हो, आप डांस करते रहते हो हमेशा, शायद तक मेबी ये होगा कि पहले के 8-8 घंटा 9-9 घंटा रिहर्सल करते थे, फिर डीआईडी जब ये सब शोज हम लोग ने किए उसके अंदर हम रिहर्सल करने बैठते तो हम लोग 12-12 घंटा 17 घंटा रिहर्सल करते, तो फिर वो बॉडी मेरे हिसाब से वैसे ही हो गया शायद तक, तो फिटनेस तो आप अभी कितना भी खाओगे ना तो गेन नहीं करोगे ऐसा। हाँ, हो गया मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे कभी कभी थोड़ा सा चबी हो जाऊँ अच्छा हो जाऊँ ऐसा भी मन करता है कभी, क्योंकि कभी कभी कैरेक्टर मिलता है, मैंने आपको बोला था गुजराती मूवी का उसके अंदर 3 कैरेक्टर थे, एक बच्चे का था, एक यंग जो कॉलेज में था, और मुझे एक 60 तो नहीं बोल सकते 55 एज का पूरा उसका लुक करके करना था, तो उसमें बॉडी में भी आगे पीछे करना था, मैंने बॉडी में तो कुछ इतना नहीं किया क्योंकि उतना टाइम भी नहीं था, 1.5 महीने में शूट करना था मूवी, तो वो बॉडी तो चेंज नहीं कर सकते बट लुक वाइज मैंने चेंज किया, बट ये बहुत मुश्किल है यार बॉडी कम करना ज्यादा करना, ये लोग कैसे करते बताना, बट करना पड़ता है, बहुत सारे एक्टर्स है तो उनको रोल के हिसाब से मैनेज करना पड़ता होगा। बट अगर डांस की बात किया जाए तो सुना है कि डांस इज अ थेरेपी, तो कितना रिलेट करते हो आप इस बात? नहीं डांस अच्छे, देखो ना हमारा जो डांस है वो तो ठीक है, पर हम लोग हमारे इंडिया में देखने तो हर एक चीज के ऊपर डांस होता है, बर्थडे पार्टी हो तो डांस होता है, गणपति हो तो डांस होता है, किसको अच्छी जॉब मिली अपने दोस्त के सर्कल में पार्टीज होती है, डांस होता है, बट डांस हमारे कल्चर में ऑलरेडी, फोक हो या कोई भी हो, देखो आप मंदिर में भी जाओ वहाँ पर भी एक फोक डांस वहाँ पर होगा, तो हमारा डांस को लेके हमारा बहुत ज्यादा अच्छा है कि हम लोग हर एक चीज के अंदर हम डांस खुशी वो चीज डांस के थ्रू ज्यादा हम लोग बताते, तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे कंट्री के पास ये चीज है, और हम सभी लोग अभी देखो कुछ भी आप बोलो मेरे को ये मिल गया सब लोग डांस करेंगे, हमारा ऐसा ही है, हम ऐसे ही है, तो डांस है यार बहुत इम्पोर्टेंट। लास्ट कब डांस किया था आपने एकदम ऐसे दिल खोल के? दिल खोल के तो मैंने कब किया था, आई डोंट नो, अभी मैं गुजरात था तो सब मेरे सर के शो में गया था, तो हम लोग ने एक जन के वहाँ गणपति रखे हुए थे तो हम लोग ने ऐसे ही डांस किया था नागिन डांस सब रूम में, तो वही थोड़ा ऐसे वाला किया था। बट तो व्हाट काइंड ऑफ सर आर यू, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हो अपने स्टूडेंट्स के टुवर्ड्स या फिर एकदम लीनियंट हो? पता नहीं यार, मैं जैसे शुरू किया था थोड़ा स्ट्रिक्ट था, फिर नॉर्मल हुआ, फिर कैसे, लेकिन ये सिखाने का भी ना एक तरीका है यार, अगर क्योंकि स्टूडेंट भी सेम थोड़ी आते हैं, किसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करके डांटना पड़ता है, मतलब डांट के सिखाना पड़ता है, किसको प्यार से एक बार में ही समझ जाते हैं, किसको टेक्निकली कोई चीज़ बोल दे जल्दी समझ में आती, तो हर एक टाइप के स्टूडेंट होते, तो मेरे हिसाब से टीचर को भी ना हर एक टाइप का टीचिंग रखना चाहिए। हाँ वो भी है, तो फिर मे बी स्टूडेंट पे इफेक्ट अच्छा पड़ता है। करेक्ट, बट राघव की बात किया जाए जो आपके साथ डांस करते हैं, तो उनकी भी फिल्म आई है, काफी फिल्म है किल से, उन्होंने जो अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया, पर्सनालिटी चेंज कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे राघव को आपने पहले कभी देखा था? मैंने राघव का ऐसा कभी पहले नहीं देखा था, एंड यार वो लड़की की भी जर्नी है किस तरह से कहाँ से निकला कैसे आया, और कमाल है, मतलब मैं वही चीज बोलता हूँ कि अगर देखो अभी राघव को देखो, उनकी वैनिटी में जाओ या उनके घर पे जाओ, अभी भी वो सीख रहा है, अभी भी वो कर रहा है और इतना कमाल का कर रहा है, बुक लेके बैठता है, इंटरेस्ट आ गया ना उसको। मैं वही चीज बोलता हूँ कि जो भी आप काम करते हो उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए, और राघव ने अपना इंटरेस्ट ये एक्टिंग करियर में इतना ज्यादा फोकस किया है कि उसके हर एक प्रोजेक्ट में दिखता है कि वो राघव जो पहले वाला है ना वो नहीं है, कॉमेडी जो करता था अभी वो कॉमेडी वाला नहीं है, अभी वो बहुत सीरियस और बहुत उसपे हो गया, ऐसी ऐसी चीजें करनी है तो मजा आया। बट अच्छा लगता है जब राघव, मतलब कोई भी राघव नहीं, हमारे उसके अंदर सभी मेरे दोस्त हैं जो भी है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो शो के बाद निकलने के बाद ही मेन प्रॉब्लम शुरू होती है कि अब आप क्या करोगे, अब आप तो बन गए, अब 4 महीना आप चले गए, फिर उसके बाद तो नया शो और आ जाएगा, फिर नए और आएंगे, उनके लिए कोई वोट करेंगे, तो आपको मेंटेन कैसे करना है, आपको कैसे सीखना है, हर एक चीज़ फोकस कैसे करना है, वो सब चीज़ें मुश्किल है। बट राघव ने वो चीज़ डांस का भी रखा, एंकरिंग भी की उसने, करेक्ट, नाउ अभी एक्टिंग कर रहा है, अभी जाके मुझे पक्का पता है वो मूवी डायरेक्ट भी करेगा, बिकॉज़ वो उसमें है वो बात, वो चीज। पर आपको कौन सा राघव पसंद है, वो एकदम कॉमेडी वाला या फिर जो उसका कैरेक्टर अभी पूरा बन चुका है? मुझे दोनों राघव पसंद है, किसी एक राघव को ऐसा नहीं बोल सकते, दोनों राघव पसंद है, बिकॉज़ हम जो
हम जो लाइन में है, जो चीज हमें करनी है, उसके अंदर दोनों का कैरेक्टर रखने बहुत जरूरी है। राघव भी सीरियस के साथ साथ वो पहले वाला राघव आ ही जाता है, देखो ना अभी आप थोड़ी देर पहले ही आया था तो इतनी मस्ती करके तो वो वैसा ही है वो। बट जैसे कि आप भी एक्टर बन गए, क्योंकि आपने भी बोला ना कि आपका भी जो पर्सनालिटी है डांसिंग से थोड़ा हटके आपको और भी कुछ अलग करना है, तो राघव को देखकर क्या लगता है आपको? राघव को देख के यही चीज लगती है कि यार ये जो चीज कर रही है ये चीज मुझे करनी है, करेक्ट, और इस तरह का मुझे फोकस रखना है। बिकॉज राघव ने ना बहुत जल्दी अपने आप को एक्टिंग और ये सब थिएटर्स और ये सब में बहुत जल्दी उसने डाल दिया, और अपने आप को पता नहीं उसको, मे बी उसको पहले से तो एक्टिंग का था ही, बट इतना फोकस के साथ घुसेगा और इतने फोकस के साथ करेगा वो नहीं कभी सोचा था। तो ऐसा लगता है यार राघव जैसा फील लेना चाहिए, उस तरह से ही सीखनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप राघव जैसा ही पागलपन होना चाहिए कि आप कोई भी चीज सीखते हो ना तो वो इस तरह से ही सीखी जाती है, तभी आप में दिखता है। देखो आप राघव का जो जिस तरह से अभी वो कर रहा है, मेरे हिसाब से बस उससे ज्यादा करे, मैं तो यही चाहता हूँ। बट अगर वही धीरे धीरे जब ऐसे बड़े एक्टर्स थोड़ा रिकग्निशन मिलने लग जाता है उसके बाद तो काफी डिफिकल्टी होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रोलिंग। या तो किस तरह से आप ये सारी सिचुएशन आप कैसे पूरा मेंटेन करते हो बीइंग एन एक्टर? आई डोंट नो यार, मैं बैड कमेंट तो होगी कि इनको बुरा लगता है वो बात अलग है, लेकिन कोई ऐसी चीज मैंने ना की और उसमें भी अगर कोई ट्रोलिंग करता है तो मुझे ना ये चीज सही नहीं लगती मेरे हिसाब से। एंड उसने कुछ किया भी नहीं, उसने तो सिंपल है, कुछ चीज़ अच्छी बोली है और कॉमेडी भी नहीं है कुछ सिंपल, फिर भी लोग ना नीचे उसमें कुछ ना कुछ तो लिखते जाएंगे। लेकिन आजकल तो वैसा हो गया कि अच्छे कमेंट्स छोड़ो, बैड कमेंट भी लिख के दो यार, कोई नहीं अभी उसके पीछे है। मेरे हिसाब से ना ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ कि कमेंट्स में जितने ज़्यादा तुम्हारे कमेंट्स भरेंगे भले गालियों से भरे पर भरने चाहिए, ये थॉट जो रखते ना मुझे ऐसा नहीं पसंद, मुझे ऐसी चीज़ नहीं अच्छी। मैं लगता है कि अगर कोई गलती में एक दो लोगों को नहीं पसंद आया और उन्होंने बोला कि ये तरीका पसंद नहीं है तो ठीक है, बट अब अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इसमें कुछ भी नेगेटिव है नहीं, नहीं। मैंने कोई बात बोली अगर उसके अंदर कुछ चीज सही नहीं हो तो कोई बोल सकता कि हाँ भाई, लेकिन कुछ लोग तो कुछ बिना नॉलेज का भी जो चीज बोलते जाते और कोई इंटरव्यू से रिलेटेड भी नहीं होता, और लेकिन ऐसा कोई दूसरा कोई होता है सोचेगा कि नहीं है चलो बैड कमेंट तो बैड कमेंट, 200 कमेंट आए बैड अच्छे, ऐसा नहीं होता यार मुझे ऐसी चीजें, वो पब्लिसिटी मिल रहा है वैसे वो मैं हैंडल करने में, मैं कैसा ना मैं वो चीज करता भी नहीं हूँ, और मुझे तो ऐसा कि मैं नहीं करता, लेकिन अगर मैं कहीं पार्टी में गया हूँ या मैं कहीं गया हूँ या मैं दोस्तों में कोई मस्ती कर ली किसने वीडियो बना के भेज दिया तो उसके लिए भी मैं क्या करूँ। तो मैं ना अभी ज्यादा इतना ध्यान देता नहीं हूँ अभी सोशल मीडिया और इसके अंदर, बिकॉज अभी ऐसा हो गया कि सोशल मीडिया है तो आपका आप नाम है आपका, कितने फॉलोअर्स है वो देख के काम दे, उसके अंदर नीचे गंदे कमेंट्स लिखे हुए हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कीचड़ में गिर के 200 कितने सारे कमा रहे हैं ना, वो सब मुझे ये तरीका सही नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है मस्ती कोई जगह पे सही है, फेमस होना उसकी वजह से बच्चे भी कर रहे हैं ना, बच्चे भी वो जोन में जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा हैंडल करना, इसलिए मैं ना सोशल मीडिया में ज्यादा रहता भी नहीं, क्योंकि मेरे भी जो टीम है वो भी ऑलवेज मुझे बोलती रहती है कि प्लीज आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा है, बाकी सबका तो पता नहीं, बाकी सब लोग अपने तरीके से बहुत सही कर रहे हैं, मेरा ऐसा है कि जो मुझे इंटरेस्ट है जो चीज़ मुझे पसंद है वो चीज़ करूँगा मैं, फालतू की चीज़ें व्यूवर्स बढ़ाने के लिए। मुझे ये चीज़ भी बहुत बुरी लगती है कि फॉलो कर लो फटक से, ये कर लो आप मेरा पोस्ट कर दो, मेरा कॉन्टेंट ये कर दो वो कर दो, लोग अभी अपने कंटेंट पर ना विश्वास नहीं है, वो दूसरे के आप कर दोगे ना तभी मैं मेरा ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते आप मेरा ही पोस्ट कर दो, करेक्ट, या फिर मेरे को फॉलो कर लो तो मेरा हो जाएगा। मुझे ऐसे लोगों को भी बोलना है कि प्लीज ये सब चीजें मत करो, खुद पे विश्वास रखो, दो रोटी कम खाओ यार दो फॉलोअर्स कम मिलेंगे नो प्रॉब्लम, उसके चक्कर में कुछ ऐसी चीजें मत करो जो, और खुद का कंटेंट खुद ही बेचो, पता तो चलेगा ना कि बेचने की ताकत कितनी और कंटेंट में कितनी ताकत, दूसरे के थ्रू आपको ज्यादा मिल गया तो उसका फायदा क्या, वो हर बार 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 थोड़ी कोई दूसरे के उसको करता रहेगा। तो ये सब चीजें हैं सोशल मीडिया की, मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि कंट्रोल होना चाहिए बस थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि बट जो फैंस है ना वो लोग एक्टर्स के हमेशा से एक एक चीज नोटिस करते हैं, उनके लाइफस्टाइल की बात किया जाए तो, जैसे कि कोई आउटफिट हो गया वो रिपीट हो गया तो ट्रोलिंग शुरू हो जाता है वहां से, उस बारे में क्या यार कपड़े रिपीट का तो मैं आप लोग को बोलूंगा यार ऐसा नहीं होता यार आप, हाँ मैं ये चीज मान सकता हूँ कि आप जो हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं तो हम
मैं भी घर पे बैठा तभी ऐसा सोच के ये लोग कितनी गाड़ियां रहते हैं कि हर बार गाड़ी चेंज करते हुए, शूज चेंज करते हुए, कपड़े चेंज करते हुए। लेकिन ऐसा नहीं होता है यार, ऐसा नहीं है कि ये कपड़ा मैं तो मेरी तो बड़ी, मैं तो ऐसे भी ब्रांड कैरी करता भी नहीं, मतलब मुझे ऐसा शौक नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्ट्रीट वाला भी कोई शर्ट या कुछ पैंट या जीन्स कुछ भी हो तो उसको कैसे कैरी करना है, कैसे मैचिंग में पहनना है, बस उतना तुमको समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से। और रिपीट तो मैं पहनता हूँ यार, ऐसे ऐसा थोड़ी कि मैं आज निकाल दिया, इतना कुछ ऐसा नहीं हो भाई। बड़े बड़े लोग भी यही चीज़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने दिमाग में ये रखते हो कि कोई रिपीट पहन नहीं सकते, रिपीट पहनते हैं हम लोग और सब लोग पहनते हैं, उसके बारे में इतनी बड़ी चीज़ बनाने की जरूरत नहीं है। पर आपको कैसा लाइफस्टाइल पसंद है? मुझे सिंपल लाइफस्टाइल पसंद है, मुझे ज़्यादा मैं शो ऑफ ये सब ज़्यादा मुझे नहीं पसंद है, सिंपल लाइफ पसंद। अभी थोड़ी देर पहले आपने मेंशन किया आप सोशल मीडिया से थोड़ा ऑफ हो, इतना फ्रीक्वेंसी नहीं आपका, तो किस तरह से फैन से कनेक्ट करते हो आप? देखो मेरे तो उसके अंदर मैंने अभी मुझे सबके जब मैं देखता हूँ फिर मेरे अंदर अभी इतने कुछ है मिलियंस फॉलोअर्स, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ डालता हूँ लेकिन ये जो लोग है ना ये कम नहीं हो रहे या कभी बढ़ नहीं रहे, कभी जो भी हो रहा है नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरे जो है उतने हैं, उनको पता है कि ये इनका ज्यादा वो वाला नहीं है, सब चीजें एक्स्ट्रा करके वो कमाना ऐसा वाला नहीं है। अपने नॉर्मल फोटो या वीडियोस को अचीव किया तो वो पोस्ट करता है या सिंपल है। मैं एक ही चीज मानता हूँ कि हम कोई एक चीज पर ना डिपेंड ना रह जाए। अब जैसे सोशल मीडिया के ऊपर हम डिपेंड हैं कि उनके थ्रू ही आज काम मिल रहा है, और बहुत सारे लोगों को बोल रहा हूँ कि वो चीज तो सही है, जब ये चीज हट जाएगी तब करेक्ट, फिर तुमको भगवान ने जिसके लिए बनाया है, जो अच्छे टैलेंट के लिए बना है, वो टैलेंट तो एक्चुअली सबका गायब ही है। वो चीज कोई कर ही नहीं रहा है आज, कोई कीचड़ में गिर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई ऐसा मुंह बना कुछ भी कर रहा है, तो आई डोंट नो वो सही है, वो उनके उनके हिसाब से तो सही होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि तो बच्चों पर भी वही इफेक्ट है। अभी मेरे ही सोसाइटी के कितने लोग वही कीचड़ में गिर के वीडियो बना रहे थे, कुछ दाल सिर पे गिरा रहे और क्या ऐसा सब कर रहे, तो वो आई डोंट नो, मुझे वो सब चीजें नहीं। फिलहाल आज की बात करते हैं, आज आप इंडिया बेस्ट डांसर के सेट पे आए हो, तो सुना है कि कुछ कंपटीशन होने वाला है आपके और पुनीत के बीच में, क्या है वो एग्जैक्टली? एक्चुअली मेरा पुनीत का तो कैसा ना, हम लोग ने जर्नी साथ में शुरू की थी बॉम्बे की या ये इंडस्ट्री की, और हम लोग ने जितना टाइम स्पेंड किया, और हम लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं एज अ भाई, क्योंकि हमारा बहुत सारा सिमिलर भी है, जैसे मेरा बर्थडे के एक दिन तुरंत फिर उसका बर्थडे आ जाता है, एंड शो में भी जैसे दो बार मैं हारा हूँ, मेरे को हैट्रिक करनी है तो पुनीत ने वो हैट्रिक नहीं करने दी, पुनीत की जब हैट्रिक होने वाली थी दो जीता है तब तीसरी बार वो मैंने नहीं करने दी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और हम दोनों एक दूसरे के साथ लाइक बहुत शेयर भी करते हैं हमारा काम या जो भी चीज़ें पसंद। और इस बार कंपटीशन का है, मतलब पुनीत अपनी टीम लेके आया, मैं मेरी टीम ले, और मेरे हिसाब से ना ये दोस्तों में ये चीज तो होनी चाहिए, थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए और कंपटीशन भी होनी चाहिए। तूने कौन सा शर्ट पहना, अच्छा तूने वाला, मैं वो वाला शर्ट पहना तो हमारे में ऐसी चीज तो होती रहती है। बट हाँ आज का जो शो का जो क्या बोलते हैं उसको, जो कॉन्सेप्ट वो ऐसा है कि एक साइड पे पुनीत की टीम और एक साइड पे धर्मेश की टीम, तो वापस वो दोस्तों के बीच में वो कॉम्पिटिशन वाला फील है, बट मजा आया, यही चीज पसंद आती है मुझे। तो कुछ चीटिंग होने वाला है उसके अंदर? चीटिंग तो नहीं है, चीटिंग तो मैं कभी भी डांस में मुझे नहीं लगता है कि चीटिंग वीटिंग होता है या कोई करता है, कोई नहीं करता, बट ऐसा चीटिंग वीटिंग तो नहीं है। बट मुझे तो वो यार वही देख के ऐसा लग रहा है कि एक टाइम पे मैं भी ऐसे ही था यार, मैं भी वोटिंग के लिए ऐसे ही वोट पर मुझे वोट करने के लिए ये, मैं तो जब भी परफॉर्मेंस देखता हूँ उनका परफॉर्मेंस पूरा देखता हूँ, एंड प्लस वो जो पूरे स्टेज का जो वाइब रहता है, कैसे बेचारे बच्चे आए, कितनी मेहनत, कोई पट्टी लगा के आया, कोई यहाँ आया, वो सब मैं ज्यादातर के तो वो उसमें ही रहता हूँ, पीछे ही चले जाता हूँ कि यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और बच्चे कितने मेहनत कर रहे हैं, तो ठीक है, बट कॉम्पिटिशन तो तगड़ा है मेरे और पुनीत के बीच में। माय गॉड, देखते हैं कौन जीतता है एंड ऑफ द एपिसोड। बट जाते जाते फैंस को आप कुछ कहना चाहेंगे जो इतना प्यार आपको दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो आप एक्टिव हो नहीं तो अभी इंटरव्यू के दौरान कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं फैंस को यही बोलना चाहूंगा कि देखो मैं ये मेरा सोचना है, बट आपको जो भी पसंद आए, जैसे भी पसंद आए, जो भी टैलेंट पसंद आए, सपोर्ट करो। पहली बात, आप जो चीज कर रहे हो ना सोशल मीडिया तो है ही, उस पर तो हमें नाम कमाना ही है, बट आपको भी भगवान कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई टैलेंट के साथ भेजा है। करेक्ट, मैं डांस की बात नहीं कर रहा, कोई भी होटल मैनेजमेंट हो या कोई भी कुछ भी हो, कोई वो टैलेंट ना किसी में है। करेक्ट, वो चीज को भी रखना ध्यान में ना, पूरी तरह से उसमें मत होना,
क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ साथ में रहेगी तो अच्छा है। इस पर आप पूरी लाइफ, आपके टैलेंट के ऊपर आप पूरी लाइफ निकाल सकते हो, लेकिन ऐसी कोई चीज़ के ऊपर पूरी लाइफ मत निकालो जो कभी भी बंद हो सकती है। फिर वो इतनी मेहनत पूरी पानी में, फिर पता नहीं चलता कि अभी क्या करें हम, फिर ऐसी कोई चीज़ें मतलब थोड़ी मुश्किल है। तो दोनों साइड का ध्यान रखो, सोशल मीडिया का भी ध्यान रखो और अपना जो पर्सनल टैलेंट है उसका भी ध्यान रखो। ओके, थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू।